अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार वर्सेस टेगर्ड इंसान। पुनीत ही है ना भाई? हाँ जी। तो देखते हैं अभी वीडियो, क्योंकि दोनों ही भाई आपस में मिल गए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्या कर रहे यूट्यूब के चैनल वाले आजकल के भिखारी चुप रहे, भिख मंगे चप्पल चप्पल चोर बिक मंगे अबे साले जमूरे कबूतर जैसी शक्ल के अपना को ट्रिगर समझ के बड़े बड़े कोटी मंगवा इन्फ्लुएंसर को साले उसको जो है इंस्टाग्राम का यूट्यूबर बताता है ताकि बड़ी बड़ी कोटी मंगाई लड़कियों को ये लगे और लोगों को ये लगे ये चोर साला ट्रिगर भाई कोटी मंगवा लगा। एक बार बता भाई, तुमने प्रीतमपुरा में रहते हो, तुमने गुड़गांव में जो है फार्म हाउस बुक कराया मेरे लिए ताकि मुझे क्या लगे चोर साला ट्रिगर। आजकल के छपरी भिखारी चप्पल चोर बिक मंगे अपने नाम के आगे पूरी सुपर स्टार लगा लेते ताकि बड़े बड़े कोटी मंगवा लगे कि ये भी शाहरुख खान सलमान खान की तरह कोई बड़े सुपर स्टार है। लड़के एक बार बता तुझे ट्रिगर किसने बताया? ट्रिगर तो साले अमेरिका वालों का नाम होता है। और ये बताओ ये कटी हुई जींस का क्या रहा है? देखो भाई ट्रिगर भाई, देखो ये भाई को करोड़पति लोग जो समझते हैं, देखो भाई ने जो है चक्की लगा रखी है। देखो मैं इस जींस की कहानी भी आपको बताता हूँ। भाई ने पहले क्या करा है, डिजाइन वाली जींस अगर आप किसी शोरूम में लेने जाती हो तो कम से कम 200-250 की मिलती है, लेकिन आजकल के छपरी लड़के पहले 300 की प्लेन जींस लेते हैं और टेलर के पास जाकर 50 चक्की लगवाते हैं। ये तो बात ठीक है, 350 में कट जाती है प्रॉपर कैसी। लेकिन अगर ऐसी डिजाइन की जींस लाके बोलो ट्रिगर भाई, सही बात कह रहा हूँ या गलत बात कह रहा हूँ? आप पहले ये प्लेन जींस लेकर आए हो, उसके बाद आप टेलर के पास गए हो, 50 अलग से दिए कि भाई इसको फाड़ गए चप्पल लगा दे। आपसे पूछा कि भाई कौन से कलर की चप्पल लगाऊं, बोला साले तेरे कोई भी कपड़ा पड़ा हो सूट बूट लुंगी मुंगी कच्चे अच्छे का वही काट के लगा दे, जो भी लगा दे वस्तु लगा दे। और चोर और खसी कलर के लड़के नकीने वाली अंगूठी पहन कर आते हैं बाकी रस्ते में जब ये कार वार में घूमे तो लोगों को लगे किसी ऑफिस वाला लड़का है, लेकिन लोगों का पता ये चप्पल चोर साला यूट्यूबर से पैसे कमाता है। अपने इसी गंदी शक्ल का लोंडा तेरे घर में प्रीतम पुराने बेटा कर बेइज्जती कर रहा है भाई तुम्हारे घर में। चप्पल चोर
चोर साला जो भी शक्ल देख अरे चप्पल चोर भिक मंगे ये लौंडे जो है दूसरे लौंडे को इतने बोलते रहते। अच्छा एक बार बताओ भाई सही से बताना भाई जितने भी बंदे कमेंट करो कि हम दोनों में शक्ल में छपरी और स्टैंडर्ड कोठी मंगले वाला कौन लग रहा है भाई बिल्कुल एकदम चोर लग रहा है। अरे ये छपरी भिक मंगे चप्पल चोर लौंडे ये जो है ऐसे रीबॉक की सस्ती सदर बाजार से जैकेट पहन के आ जाते हैं और फिर उसके बाद ये जो है बड़े बड़े कोठी मंगले वालों में एयरबीएनबी में बैठ सुनो मेरे ऐसे चोर साले ट्रिगर राम के लड़के साले व्हाइट कलर के 200 रुपए वाले जूते लेकर आते हैं व्हाइट कलर के स्पोर्ट शूज पहन कर ताकि बड़ी बड़ी कोठी वाली लड़कियों को ये लगे ये चोर साले भोबी देवल है कोई। ऐसे साले ट्रिगर राम के लड़के अपने भाई जबरदस्ती मशीन से घुंघरा भी करवा लेते हैं ताकि लोगों को लगे भिकम का चोर साला कोई भोबी देवल का कॉपी है और ये देवल ये वाली जैकेट पहनकर आया अलग अलग कलर की इसमें साले चट्टी जोड़ जोड़ के लगा रखी है। ये बोला होगा लो जी ये पैदा कराया आपने लो बताओ ये इससे कमाल का इंट्रो कभी हुआ नहीं है और मेरी इतनी तारीफ जिंदगी में कभी किसी ने नहीं करी है। थैंक्स भाई ये सोच ले कि मैंने भाई तेरी इतनी तारीफ कर दी मैंने तेरी शक्ल के लोंडे को ना यहाँ कॉलोनी में देख के गधे पे बैठा के काला मुंह करके बच गया तो सही बता रहा हूँ साथ में जो चोरों की टीम अलग पकड़ रखी है भाई मैं सही बताऊँ तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे इसके बाल साले जमुरो वाले ऐसे बाल वाले लोंडो के ना पुलिस वालों को बड़ी आसानी रहती है चोर पकड़ने में पूछो कैसे चोर जैसे जब भी वक्त है ना पुलिस वाला सीधा बाल पकड़ते हैं डंडा मारने की जरूरत पड़ती है पुलिस वालों को बड़ी तंगी रहती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरा पॉडकास्ट चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लेकिन मैं सिर में तुम्हारी बड़ी गंदी शक्ल देख के मैं थक चुका हूँ टूट गया भाई टूट गया बेकार है भाई टूटा हुआ भाई 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 रुक जाओ भाई भाई रुक जाओ ना अरे मैं कुछ पूछना था पहले मेरी बात सुनो तुमने मुझे बोला टूटा हुआ तुम टूटा हुआ साथ तुम्हारे आगे के दो फ्रेंड के दांत टूटे हैं पहले के खुद के दांत टूटे हुए पिन लगी हुई है पूरा टेढ़ा ट्रिकेट भाई और हम दोनों के दांत दिखाते हैं किसके बताना किसके टूटे चेक करा रहे भाई लोग पेस्ट भी नहीं करे तुम्हारे तो दांत भी नहीं है पीछे पीछे वाले दांतों में विमल पान मसाला के भाई सड़ा रखे है तुम्हारे दांत कैविटी हो रहा है पीछे करो मुझे पता है तुम हिंदी वाला टॉयलेट यूज तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी बंदा सामने का तुम्हारी शक्ल देखकर तो गला भी सांध रहा हूँ बहुत बुरा कर दिया मैंने यार बड़ी बहुत बड़ी लॉर्ड जी मेरे को एक सवाल था आपसे अगर आपने मेरा रोस्ट कर लिया हो अभी शांत हो जाइए सांस लीजिए पहले तो ये बताइए इसकी सवाल है क्यों कौन होते हो तुम सवाल करने वाले पहले तो तुम्हारे को राइट किसने दिया 20,000 रुपए लेकर तुम आए हो यहाँ पे शूट पे यार इतना भी ना पूछू मैं साले एक बार था 20,000 रुपए एक बार तेरी जेब में है 20,000 रुपए तो 20,000 रुपए तेरे पास तो खुद नहीं है साले ओए पैसे लेकर तुम शूट पे आए हो ऐ चप्पल चोर भिखारी मेरे को बोल रहे हो पैसे लेके तुम छूट पे और उसके बाद चोर साले मेरे बात से मेरे घर वालों के माँ बाप के टुकड़े में पल रहा है अपने बाप पूरे दिन खर्चा चला रहा है तेरा साले तेरे जमीन को पैदा करके पता नहीं कहाँ से पैदा कर दिया अरे रुक जाओ लॉर्ड जी शांत हो जाओ मैं बता रहा हूँ इसका बाप कम से कम 6 सालों से लड़की ढूंढ रहा है और भिगमंगा साला खुद 38 साल का है जब भी इससे कोई पूछता है भाई तू कितने साल का है तो हर साल बढ़ने की वजह हर बार बार जो है 2 साल कोई भी लड़की इसकी शक्ल देखती है फॉलोवर देख के हाँ कर देती है लेकिन साला जब ये आता है सामने कह देती है नहीं भैया क्या करूंगा बोलोगे इतना गंदा आदमी है सारा लॉर्ड जी मेरा कत्ले आम करने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आप पुनीत से पुनीत सुपरस्टार कैसे बने तो भाई साहब मैं पुनीत से पुनीत सुपरस्टार इन चोर यूट्यूबरों की वजह से बनाऊ क्योंकि ऐसे चोर यूट्यूबर साले अपना 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं उसमें 15 मिनट की इनकी 14 मिनट की गंदी शक्ल पूरी बेकार होती है लेकिन 1 मिनट की हमारी जो वीडियो होती है जो मीम्स होते हैं चाहे वो नाले का पानी ऊपर डालते हैं गटर का पानी ऊपर डालते हैं हल्दी पुदीने चटनी का पानी ऊपर डालते हैं उसी वीडियो से साले ऐसे बिकमंगे चोर यूट्यूबर वायरल हो जाते हैं और अपने अपने नकली नाम ट्रिगर रख लेते हैं हमारा फेम खा खा के जी रहे हैं साले चल बोल आगे तो लॉर्ड जी आपकी लाइफ में क्या चेंज आया मतलब पहले पुनीत से लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बनने के बाद क्या चेंज हो गया पहले जैसे आप फ्री में शादियों में घुस जाते थे भाई कम से कम 100-150 नहीं भाई मैं ये सच्चाई इंसान है मतलब मैं रात को बत्ती जली कह रहा हूँ मैं लगभग 1000 से 1200 बिन बुलाई शादियों में घुस जा चुका हूँ लेकिन अभी काफी टाइम से नहीं जा रहा जब से थोड़ा वीडियो शूडियो बनाने का लगा क्योंकि फेमस हो गया हूँ जा जाता हूँ सेंस वगैरह मिल जाते हैं लेकिन इससे पहले लगभग मैं 1200-1300 शादियों में जा चुका हूँ क्योंकि चक्कर ये था कि मेरे को खाने पीने का बहुत शौक था और अभी भी है लेकिन इतने पैसे नहीं होते हैं जेब में कि
यार मैं बढ़िया जगह रेस्टोरेंट में खा सकूं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपनी कॉलोनी में जो बड़ी बड़ी पोस्ट कॉलोनी होती है ना, वहाँ के बैंकट हॉल देखकर आता हूँ। तो बैंकट हॉल देखकर आता हूँ तो उस हिसाब से कपड़े पहन के जाता हूँ। कूड़ा मछले वाला बैंकट हॉल है, छोटा मोटा खस्सी शादी है तो उसके अंदर घर के कपड़े पहन के घुस गया शादी फार्म हाउस में, तो भैया लेकिन एक बार ये कई बार पकड़ा भी गया उसको, मार भी पड़ी है। नहीं एक बार मेरे को बाल खींच के बाहर निकाल दिया था, तो बस एक दो बार पड़ी है, लेकिन उसके बाद थोड़ी शक्ल मेरी साफ सुथरी हो गई, अच्छी खासी हो गई। तो अब मैं घुस जाऊँ ना तो अब मुझे कोई नहीं पहचाने का कि ये भाई बिल बुलाया है, तो अब मेरे को इज्जत मिलती है। 1000 से 1200 शादियों का मैंने फ्री का खाना खाया है, लेकिन आपकी शादी में भी बिल बुलाया आऊंगा, कार्ड मत देना बिल्कुल। शक्ल देख के असर करा, 4 बार डिवोर्स हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं आगे एक बार आपको बिठा के मुंह पे कालक वालक पोती आपके मारा वाला आपको, वो सच थी या अच्छा अच्छा वो भाई वो नहीं वो सच्चाई थी, वो मैंने किसी गधे के पिछवाड़े में हाथ डाल दिया था, पब्लिक पकड़ के मारा था, लोगों ने सोचा गलत काम कर रहा है, लेकिन मैं गलत काम नहीं कर रहा था, उसकी पोटी साफ करा था भाई, भाई मेरे से देखी नहीं गई, जानवर आदमी है यार कौन साफ करेगा, तो मैंने उठा के साफ कर दी, लोगों ने सोचा अपना मुद्दा साफ कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो बताओ अच्छा अच्छे काम के लिए लोग मारे भैया, मैं गधे की पोटी साफ कर रहा हूं तो लोग कह रहे हैं गलत काम कर रहा है तू जानवर का, तो लोगों ने मुझे पकड़ के पीट दिया भैया, यार ये ट्रिगर भाई कोई बात है भाई, पागल लोग यार, आप जैसा गंदी शक्ल का गधा जैसा, तो मैं पोटी करूंगा मेरे भी साफ कर, गलत कर दिया गया, गधे की पोटी साफ करता है, अभी परसों की बात है, मैंने अपने कुछ तो आप अपनी खुद की पोटी साफ ही नहीं करते हो गए भाई, लोगों की इतनी मिल जाती है तो मैं अपनी 3 घंटे हो गए बिल्कुल भाई, 3 घंटे में आपकी एनर्जी उतनी की उतनी है, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो अब ये पूरे दिन इतनी वीडियोस आप बनाते हो, 100-150 वीडियो बना देते हो दिन की, हर एक में उतनी एनर्जी उतनी कभी केले का पानी मुंह पे डाल लिया, कभी हल्दी का पानी मुंह पे डाल लिया, कभी पुदीने का मुंह पे पानी डाल लिया, कभी जैसे रात को वीडियो सोते सोते जो है आप जैसी गंदी शक्ल की सामने आ गए, हेलो मैं उठ रही इंसान ये वो फलाना डिगा, तो बस इसी ऐसी देखकर मैंने एनर्जी आ जाती है बस, ये बहुत अच्छी बात कही बिल्कुल भाई, पर ये आपको आइडिया कहां से आया कि गंदे नाली का पानी गटर का पानी ऊपर डाल देता हूं, बस भाई मैं एक बार अपनी जॉब अब छोड़कर खाली बैठा था बहुत दिनों से, तो एक बार जो है मेरे बाबा ने बोला भैया जाके नौकरी वोकरी कर ले, फालतू में टिकटॉक की वीडियो बनाता रहता है वो भी लेटे लेटे ये वो फलाना ढंग का, तो एक बार मैंने घर वालों को कुछ थोड़ा बोल दिया था, तो मेरे माँ बाप ने मुझे खुद ही बोल दिया था गंदी नाली का कीड़ा, तो बस वो गंदी नाली सर पे डाल देते हैं भैया, तो आपने बोला कि आप गटर का पानी भी डाल लेते हो, बिल्कुल डाल लेते हो अपने ऊपर, बिल्कुल भाई बिल्कुल, अभी मैं बोलूंगा तो डाल लोगे, बिल्कुल भाई ऐसे ही नहीं भाई, कुछ मिलना चाहिए ना 500 बिल्कुल भाई, लाओ भाई लो भाई, भाई लाओ केक लाओ भाई, लिया भाई लिया केक लिया जल्दी, अनिल भाई मैं मजाक में बोल रहा था, मैं सच्ची में नहीं बोल रहा था, आप देख लो बच्चों इसलिए कहते हैं बचपन में जब माँ बाप मारते हैं ना मार खा लिया करो, वरना पैसों के लिए ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं। आप महान हो भाई, क्या क्या करते रहते हुए। अच्छा ठीक है समझ गया, सालों अगर इस वीडियो पे 25 मिलियन व्यूज ना आए ना और 1 लाख कमेंट ना आए तो इतने जूते मारूंगा कि मार मार के टाट टकरी कर दूंगा, सॉरी गंजी कर दूंगा। हां द लॉर्ड हैज स्पोकन हिमसेल्फ, 1 लाख कमेंट, चलो उधर चले वापस बैठे, चलो ही चलो। नल्ले छपरी बेरोजगार जो है सेट पे आते हैं शूट के 1 घंटे में भी 6 रील बना लेते हैं, ये साले आजकल के नल्ले मेरे पास ट्रिगर इंसान साले मुर्गे जैसी टांगे लेकर दूसरे के सुपरस्टारों के बीच में लड़की भी पीछे हो रही है, दांत अंदर कर रहे हैं यार। एक बात बताओ, 1 घंटे के शूट पे आप आए हो उसमें आपने 6 रीले पोस्ट कर दिए, भाई क्या करो धंधा ही यही है भाई अपना, रोजी रोटी इससे चल रही है, कितनी रीले डालते हो दिन की पूरे दिन की 400-500 नहीं 1 दिन इंस्टाग्राम बंद करवाएगा ये इंसान, इंस्टाग्राम जब भी डाउन होता है ना आपकी वीडियो की वजह से होता है, वो डर जाते हैं कह रहे भाई ये बंदा डाली जा रहा है डाली जा रहा है, नहीं पता टिकटॉक बंद होने का कारण भी लोगों ने मुझे बनाया था, 65,000 वीडियो डाली थी मुझे मैंने, गूगल पे भी आप चेक कर सकते हो, वर्ल्ड में नंबर 1 रिकॉर्ड मैंने बनाया था, 65,000 वीडियो मैंने डाली थी, उसको भी मुझे गाली दी थी, टिकटॉक भी इन्होंने बंद करवाया, अब इंस्टाग्राम भी यही बंद कर, हां बिल्कुल भाई इंस्टाग्राम पे भी चक्का मैंने जाम कर रखा है, मतलब मैं ये चाहता हूं वैसे वो भी ऐसा रहा है, जब भी बंदा फॉर यू खोलता है सारा पुलिस सुपरस्टार नजर आता है, फॉर यू लॉर्ड हो ना लॉर्ड हो, क्राउन दो भाई क्राउन दो इनको क्राउन, तो दोस्तों ट्रिगर इंसान भी मान चुके हैं मैं लॉर्ड हूं, थैंक यू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये टॉयलेट रोल का क्राउन बना दिया, एक बार बताओ मेरी शक्ल भी टॉयलेट जैसी है, डाल दो वैसे भी मैं अपने मुंह पे टॉयलेट ही डालता हूं रोज, इसी से वायरल हुआ पिछले 1 घंटे से मेरी शक्ल के बारे में बोले जा रहे हो, नहीं नहीं भाई मैं ट्रिगर भाई की शक्ल बहुत अच्छी है भाई, मैं सही बताऊं मैं खुद ही अपना खुद ही टॉयलेट हूं भाई, मैं अभी करवा रहा हूं, थैंक यू भाई यार ऐसी बात नहीं यार, बहुत प्यारे हो, थैंक यू भाई, वो बात अलग है कैमरा में बहुत ज्यादा मारी है आपने मेरी भाई।
तो लॉर्ड जी ये जो आप जिस टाइप का कंटेंट बनाते हैं उस टाइप के कंटेंट को ना और भी बहुत सारे लोग वैसा कंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल भाई। तो मैं ना एक एक करके आपको नाम बोलूंगा उन सबका, आपके उनके बारे में क्या ओपिनियन आपको बताने हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में है देवी ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा के बारे में मेरा यही कहना है कि भाई वो खुद कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर है ना, जो बड़ी बड़ी यूट्यूब मतलब जो वीडियो बनाती है उनको देख के मतलब उनकी कॉपी है यार, उनका अपना मतलब कंटेंट कुछ भी नहीं है, सबकी कॉपी करती है वो। मैंने खुद उनके वीडियो देखे हैं, मतलब सब कॉपी है उनकी। अरे वो तो गाने गाती है उसके तो आप फैन लगते हो वैसे, ये है कौन भाई वो जैसा भी लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरी कॉपी करता है वो, कहीं ना कहीं वो मेरी कॉपी करता है, क्योंकि जैसे मैं भी उठपटंग बोल देता हूँ तो वो भी उठपटंग बोल देता है, लेकिन जो भी है चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या वो गाने गाता है क्या, कॉमेडी करता है गाने भी शुरू कर तो बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई, बेस्ट क्रिएटर, बेस्ट क्रिएटर के ऊपर कोई है ही नहीं, नहीं उस पर है ना पूरी सुपर स्टार यार, बात कर रहे हो यार, मेरे से ऊपर कौन है। दीपक कलाल के बारे में क्या कहना है, दीपक कलाल वैसे एक बार बताऊं, दीपक कलाल बंदा बढ़िया है, एक्टिंग उसकी अच्छी है, लेकिन उसकी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस कॉमेडी है, मतलब होता है वो कॉमेडी करते करते एकदम जो है ना वो गाली गलौज स्टार्ट कर देता है, या जो भी मतलब ऐसे शब्द बोल देता है जो पब्लिक को जो है फिर गुस्सा आता है, फिर वो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी जो कंटेंट है ना मतलब हर कोई देख नहीं सकता, मतलब हर किसी को अच्छे नहीं लगेंगे उसके, जैसे मेरे कंटेंट है, मेरा कंटेंट हर सबको पसंद है, सबको पसंद है, हर बच्चा बूढ़ा जवान सब देखता है, जैसे आप खुद ले लो, आप खुद अपने आपको इतने बड़े माशा नहीं समझते हो क्या यार, बस आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार बताओ ये आपने चोर बाजार से एप्पल की वॉच ली है आपने, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर ये चालू भी है या सिर्फ दिखाने के लिए कि बस यही है? तेरे बंदे की ऑब्जर्वेशन सच में बहुत तगड़ी है, क्योंकि ये सच में बंद पड़ी है। लग रहा था मेरे बंदे सर दिखाने के लिए कोठी बंगले वाला। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ आज चोरों को देखकर आती है भाई मेरे को सारी ऐसे फीलिंग। लॉर्ड जी आपके साथ बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली सेगमेंट की तरफ, आप रेडी हो? बिल्कुल, मेरी एनर्जी 100% है, आपको बताइए शताब्दी एक्सप्रेस वाली एनर्जी है, आप तो हमेशा ही रेडी रहते हो। चलो फिर, चलो जी चलो। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लॉर्ड पुनीत जी के साथ खेल रहे हैं टू लाइज एंड वन ट्रुथ। आपको मतलब समझ आया इसका? नहीं भाई, मेरे को थोड़ा अगर हिंदी में समझा दो तो आप। मैं आपको तीन बातें बोलूंगा जिनमें से दो झूठ है एक सच है, आपको बतानी है कि सच कौन सी है। ठीक है? अच्छा आप मुझे तीन बातें बोलोगे, दो झूठ और एक सच्चा है। ठीक है? और फिर सेम आप भी करोगे। ओके ठीक है, समझिए। तो पहली स्टेटमेंट, मेरी आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। ओके। दूसरी स्टेटमेंट, ये जो जैकेट है मैंने चोर बाजार से खरीदी है। ठीक है, ओके। और तीसरी, मेरा बहुत ज्यादा मन करता है कि मैं आपकी जैसे वीडियोस बनाऊं, आपके जैसा कंटेंट बनाऊं, ताकि लोग मुझे भी लॉर्ड बोले। ओके 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 ओके। अब आपको बताना है कौन सी सच है, आपकी बारी है। आपकी एक गर्लफ्रेंड वाली, एक जैकेट वाली और एक मेरे जैसी वीडियो वाली। हाँ, ये जैकेट आपकी चोर बाजार की नहीं है, ये जैकेट आपकी प्रॉपर किसी अच्छी शॉप की है। अभी तो 5 मिनट पहले आप बोल रहे थे चप्पल चोर, लेकिन ये किसी अच्छी दुकान की लग रही है, आपके किसी जहां आप रहते हो कोठी बंगले वाले में, बिल्कुल ज्यादा कोई बहुत तगड़े मॉल की भी नहीं, लेकिन प्रॉपर और बाकी को दोनों बातें झूठ है, क्योंकि ना आप मेरी जैसी वीडियो बना सकते हो, ना कभी बनाने की सोची होगी, और सोची होगी तो वो नहीं बना सकते, और आपकी शक्ल देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। डंडा तो सीधा पकड़। अच्छा बात नहीं बताई, मैं सही था? नहीं गलत हुआ। सही स्टेटमेंट थी तीसरी वाली, मेरा बहुत ज्यादा मन करता है कि मैं आपकी जैसी वीडियो बनाऊं। आपकी बारी है। तो ट्रिक भाई, पहली तो ये है कि मेरी 6,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है दुबई में, और दूसरी ये है कि अभी जो है मेरी चौथी फिल्म आने वाली है दबंग 4 सलमान खान के साथ, जिसमें मैंने 68,000 करोड़ रुपए खुद लगाया है, लेकिन वो 1,00,000 करोड़ रुपए का बिजनेस खुद करेगी। अच्छा। और तीसरी बात ये है कि मेरे घर वाले और पूरा इंस्टाग्राम मुझे नल्ला बेलगार और छबरी के नाम से जानता है, तिरमंगे के नाम से। तो पहली स्टेटमेंट थी कि आपकी दुबई में प्रॉपर्टी है 4,000 करोड़ की, 6,000 करोड़ की, 6,000 करोड़ की। बिल्कुल, नल्ले छपरी बेरोजगार हो आप, आपकी मम्मी आपको ताने मारती है, चप्पल चोर भिकमंगा पूरे दिन पड़ा रहता है कुछ खाता नहीं, और आपकी 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ही झूठ है भाई, मैं शकल से तो लोग मेरे को बोलते हैं यार ये। दूसरी स्टेटमेंट सच हो सकती है, सलमान खान के साथ दबंग 4 आ रही है जिसमें 68 करोड़ आपने खुद लगाया है। हाँ। लेकिन फिर बात वही आ गई, चप्पल चोर भिकमंगे छपरी एक नंबर के बेरोजगार हो आप। तो भाई फिर सच कौन सी है? तीसरी वाली, आप सच में चप्पल चोर छपरी भिकमंगे हो भाई। आपकी बात सुन के मैं आपका सच पकड़ने के बाद मैं स्थिति नहीं हूँ, डंडा घुमाऊँ तो मैं इसलिए आपको ऐसे ही पकड़ा देता हूँ भाई। धन्यवाद। जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चलते हैं वो पतली कमरिया, हाय हाय हाय, आपने करा है ना वो ट्रेंड? हाँ वो करा, एक बार करके दिखाना जरा। अच्छा पूछो। पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय, बिरची कमरिया मोरी। भाई इसका आंसर ए है। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ इसका ए है आंसर यार। मैं बता रहा हूँ। अरे यार तू मेरी बात सुन, अभी अभी उठाऊ मैं चाय पीऊंगा।
जाऊंगा, नहाऊंगा, अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा, फिर तैयार होके मैं स्कूल जाऊंगा, फिर अपनी मैडम की गालियां खाऊंगा, फिर मैडम मेरे को पनिशमेंट देगी, फिर उसके बाद दिन में मैं 2 बजे प्रिंसिपल की गालियां खाऊंगा, और उसके बाद कल्ले मेरे का छपरी और भिगुंगी और कंचे खेलता हुआ फिर मैं अपने घर पे आके अपने माँ बाप की गालियां खाके और फिर दोबारा रात को शाम को चाय पी के अपने माँ बाप की गालियां खाके अपने माँ बाप का तरीका खाने खाके अपने माँ बाप के टुकड़ों में करके सो जाऊंगा। धन्यवाद। सबको देखा लेकिन इनकी वीडियोस हमने ये वाली देखी। अच्छा ठीक है, ये वाली के ये वीडियो कॉमन है, हर मीम्स में भी मिल जाती है आपको, हर जगह जो भी फनी वीडियो उसमें जरूर ये मिल जाती है, लेकिन हमें इसके नाम का नहीं पता था, आज सब पता चल गया है। लेकिन भाई ये लॉर्ड पुनीत भाई उसका टिकटॉक का भाई रिकॉर्ड देख ले, 65,000 इतनी भाई वीडियो, और अभी भी एक घंटे में 6 रील्स अपलोड करके ये तो सबको भाई इंडिया वालों को भी पीछे छोड़ रहा है भाई, हर बहुत ज्यादा ये डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन आप पता चला कि इंडिया में टिकटॉक क्यों बंद हुई इसको तो फूलों के हार पहनाने चाहिए बहुत सारे, इंस्टाग्राम का भी सिर लेना है उसके पीछे है इसका टारगेट और ये करके रहेगा। लेकिन बंदे का भाई स्टैमिना बहुत है, हमसे इतना ऐसा नहीं जा रहा था इतना, मतलब कि तो वो बोलता जा रहा था भाई, हमने भी 19 मिनट देखी है की बात है, लेकिन ट्रिगर इंसान को उसने दबा दिया जलील करके बहुत बड़ी भाई, आज तो उसने भाई ट्रिगर इंसान की सामने उसके मुंह के ऊपर केक मारा और जूस अपने ऊपर उसने नहीं बोलने दिया आज भाई देख लिया इनको भाई, ये बहुत तेज बोलता है ऊपर से भाई, वो जूते जो मार देता है वो तो भैया एंड ही कर देता है, क्योंकि ये वीडियो में दीपक लाल और काफी एक मतलब कि इंडिया में वो दीपक लाल जो वो गाली बहुत ज्यादा देता है, उसकी वीडियोस मैंने देखी है बहुत सारी, लेकिन वो भाई गाली बहुत ज्यादा देता है, वो उसको बहुत ज्यादा गाली देता है, वो थारा भाई जोगिंदर को वो उसको लाइव ले लेता है और लगा रहता है वो ऐसे बस एक उसको गाल निकालो ना इतना फील नहीं करता ठीक है, और वो भी बोलता है ठीक है और गुस्सा दिलाता है, और गुस्सा बंदा भी बोलता है ये को जलील करने आ गए हमको भाई, चलो भाई बहुत अच्छी बिल्कुल मजा आया दोनों को बहुत ज्यादा भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।